उत्तर प्रदेश के बांदा में इस वक्त रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह लेकर आए हैं और उसके साथ साथ ध्यान से सुनना भैया, उसके साथ साथ 44,000 करोड़ की लागत से केन बेतवा को छोड़कर 9,00,000 हेक्टर सिंचाई होने वाली है। अरे मोदी जी है ना, जिस चीज का भूमि पूजन करते हैं उसी चीज का उद्घाटन वो खुद ही कर देते हैं। ये जो मैं योजनाएं बोलता हूं, उत्तर प्रदेश में 18 सिंचाई योजनाएं थी, खुद तो मेरे जन्म के पहले जवाहरलाल नेहरू उसका पत्थर रखकर गए थे, पूरी नहीं हुई थी। मोदी सरकार, योगी सरकार ने 5 साल में उसको पूरा करने का काम कर दिया भैया बहनों, 5 साल। और मैं आज बुंदेलखंड के युवाओं को कहना चाहता हूं कि एक बार केन बेतवा परियोजना समाप्त होने के बाद बुंदेलखंड को पीढ़ियों तक जल संकट से सामना नहीं करना पड़ेगा। केन बेतवा से 62,00,000 लोगों को पेयजल मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर मिलेगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलनी है। और मित्रों, इसका काम हमने शुरू कर दिया है। हम पूरे बुंदेलखंड में चिलचिलाती धूप आती है, इसका उपयोग कर बुंदेलखंड को सोलर ऊर्जा का हब बनाना चाहते हैं। मित्रों, झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा प्लांट डाला है, 4,000 मेगावाट की अलग अलग इकाइयां बुंदेलखंड में डालने का काम चल रहा है। नहरों पर सोलर पावर के रूफ टॉप लगाकर नहरों में से भी सिंचाई का साथ साथ सोलर पावर जनरेट करने का काम चल रहा है। माताओं बहनों भाइयों, बुंदेलखंड के युवाओं के लिए मोदी जी बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए। के पास जाते थे, परिवार की माताएं बहनें की शिकायत करती थी कि बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, अन्नदाता किसान अपने खेत में नहीं जा पाता था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू चलता था, बाजार में व्यापारी अपने व्यापार को सुरक्षित माहौल में नहीं कर पाता था, क्योंकि कब बमबाजी शुरू हो जाए, कब गैंगवार प्रारंभ हो जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल के बाद जब हम लोग आज आपके बीच में आए हैं, 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के को प्रचंड बहुमत की सरकार दी थी, और 5 साल सत्ता में रहने के बाद जब अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के इस चुनाव में हम आपके बीच में आए हैं, आज मैं आपसे कह सकता हूं इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं है। भाइयों बहनों, जिन बाजारों में पहले बमबाजी होती थी वहां पर बमबाजी भी नहीं, जहां कर्फ्यू लगता था आज वहां कावड़ यात्रा निकल रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।